हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिराग शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंटरव्यू क्वेश्चन विद शर्मा जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और सभी विद्यार्थी इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कोर्स, जहां पर आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, सारे टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तो आइए चलते हैं सीधा अपना वीडियो की ओर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भौतिकी। भौतिकी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति और उसके नियमों का। आगे है मात्रक। मात्रक क्या होता है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे राशि यहां पे हो गई लंबाई, तो लंबाई को मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर का। जैसे आपसे कहा जाए कि यहां से लेके इस बोर्ड के इस सिरे से लेके यहां तक कि अगर आपको यहां तक कि आपको अगर लंबाई निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे? इसकी लंबाई 2 मीटर है या 3 मीटर है। तो ये मीटर क्या है? मात्रक हो गया। और लंबाई क्या है? तो ये राशि हो गई। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि इस मार्कर का द्रव्यमान बताइए, तो आप कहेंगे ये 1 किलो है या 2 किलो है या ऐसे ही। तो ऐसे ही आगे है मात्रक। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। और SI पद्धति, यह हमारी एक इंटरनेशनल पद्धति होती है, जिसमें उसके हिसाब से मूल मात्रकों की संख्या 7 है। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि मूल मात्रक 7 हैं। तो 7 मूल मात्रकों के नाम क्या हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कैल्विन, एम्पियर, कैंडला और मोल। तो ये जो मूल मात्रक हैं, जैसे मीटर है, तो ये किसी राशि का होता है, जैसे लंबाई। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि लंबाई अगर हमें नापनी है, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, तो उसको किसमें हम मापेंगे? मीटर में। तो इसका संकेत होगा m। द्रव्यमान का भी आपको बता चुका हूं कि मान लीजिए हमें इस मार्कर का द्रव्यमान नापना है, तो क्या कहेंगे? 1 किलो, 2 किलो। तो ऐसे kg का संकेत है। आगे समय। समय का होता है सेकंड और उसका संकेत होता है s। ताप को नापते हैं कैल्विन में, तो कैल्विन इसकी संकेत क्या है? के। आगे है विद्युत धारा, जैसे एम्पियर इसका मूल मात्रक होगा, इसको लिखते हैं ए में। जैसे किसी यंत्र को चलाने के लिए कितने एम्पियर की जरूरत है? 50 एम्पियर। ऐसे आगे ज्योति तीव्रता, तो इसका मूल मात्रक क्या होगा? कैंडला। इसका सिंबल क्या होगा? CD। तो जैसे ज्योति तीव्रता क्या होती है? ज्योति तीव्रता होती है, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है या फिर आपका कोई ट्यूबलाइट है, तो उससे 1 सेकंड में किसी निश्चित डायरेक्शन में कितनी लाइट निकलती है, वो होता है ज्योति तीव्रता। तो इसका संकेत आपको बताता हूँ, CD है। ऐसे पदार्थ का परिमाण, इसको किसमें मापते हैं? मोल में। इसका सिंबल होता है मोल। आगे है, जैसा कि दोस्तों आपको बता चुका हूं कि 7 मूल मात्रक हैं, ऐसे ही आपके कुछ SI पद्धति पर ही आधारित है संपूरक मूल मात्रक। ये भी आपको याद रखने जरूरी हैं। तो संपूरक मूल मात्रक कौन कौन से हैं? रेडियन और स्टे रेडियन। तो रेडियन की राशि किस राशि का है? समतल कोण का। तो समतल कोण का संपूरक मूल मात्रक क्या होगा? रेडियन। और इसको लिखते कैसे हैं? RAD, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे ही स्टे रेडियन। स्टे रेडियन किसका है, राशि का है? घन कोण का। तो इसको किससे लिखते हैं? SR से। आगे है आपका व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वो सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये हमारे जो हमारे मूल मात्रक है, उनमें से निकले हुए हैं। आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। कुछ आपको राशियां दी गई है यहां पर, उनके आपको मूल मात्रक बताने हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर जो आपके मात्रक हैं, ये सब इंटरनेशनली यूज होते हैं, इंटरनेशनल बेस पे चलाते हैं इनको। जैसे बल। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। कार्य की जूल।
ऊर्जा का जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल है। आगे शक्ति, शक्ति का क्या होगा? वाट। अब दोस्तों ये थी हमारी एसआई पद्धति के आधार पर, लेकिन हमारी एक पद्धति और होती है जिसको बोलते हैं सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति के आधार पर आपके दो राशियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल और कार्य। तो बल का जो अगर आपसे पूछ ले एसआई पद्धति के आधार पर आपसे पूछ ले मात्रक, तो न्यूटन है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सीजीएस पद्धति में आपको बताना है बल का, तो आप कहेंगे डाइन। ठीक है दोस्तों, और ये डाइन जो है इनका क्या रिलेशन है न्यूटन के साथ? एक न्यूटन अगर इसको बराबरी करें तो कैसे करेंगे? एक न्यूटन 10 की शक्ति 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछ रहे कार्य की एसआई यूनिट क्या है, एसआई पद्धति के आधार पर क्या है, तो आप कहेंगे इसका मात्रक जूल है कार्य का। लेकिन आपसे पूछ ले सीजीएस पद्धति के आधार पर बताइए, तो आप कहेंगे अर्घ। और एक जूल जो है वो बराबर होता है 10 की शक्ति 7 अर्घ के, 10 की शक्ति 7 अर्घ के बराबर होता है। आगे हमारा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है? जो मात्रक हमारा लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? 9.46 × 10 की शक्ति 15 मीटर के। आगे हमारा कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और इसको अगर हम मीटर में बदलें तो ये कितना हो जाएगा? 3.08 × 10 की शक्ति 16 मीटर। आगे बात करते हैं राशि की कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है? कि अदिश राशि जो है उसमें परिमाण होता है, आपका मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। और सदिश में उल्टा होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो अगर अदिश राशि का उदाहरण दूं तो इसमें आएगा द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, दाब, विद्युत धारा आदि। और भी इसके काफी एग्जाम्पल आ सकते हैं आपके, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बात करते हैं सदिश राशि की। तो सदिश राशि में मैंने आपको जैसे बताया कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो इसके उदाहरण अगर ले लें हम, तो उदाहरण में क्या होगा? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके।